प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में मतदान करने के बाद कहा कि तकरीबन 2 बजे वे मतदान करने पहुंचे थे। उनका मानना है कि जो हम चाहते थे वो हमको मिलने वाला है और ये राज कहीं नहीं छुपा रह जाएगा जब फूलपुर सीट हमारे बीजेपी के कब्जे में आ जाएगी। ये उपचुनाव है और स्वाभाविक होता है कि उपचुनाव में वोट परसेंटेज हमेशा गिरता है, मगर अभी भी समय है। हम चाहते हैं कि जितने भी जो घर में बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं, सब लोग आए, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आवश्यक है, ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। मगर जो खबरें अभी तक आ रही हैं गोरखपुर से, और विशेष रूप से मैं फूलपुर की बात करूं, तो वहां से हम लोग संतुष्ट हैं और लग रहा है कि जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को मिलने वाला है। तो 1 बजे से वोट का प्रतिशत बढ़ा और इसमें बुजुर्ग व विकलांग लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। अभी तक फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में 3 बजे तक 26.60% मतदान हो चुका है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।